नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ दीपाली और शुरुआत करते हैं चुनाव की खबरों के साथ। यूपी में चुनाव शुरू हो चुके हैं। पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होना है। सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का घरेलू झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ वक्त से खामोश चाचा शिवपाल ने आज भतीजे अखिलेश के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। एटा की जसवंत नगर सीट से नामांकन करने से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल ने ऐलान कर दिया कि वो 11 मार्च के बाद नई पार्टी का गठन करेंगे। शिवपाल ने बिना नाम लिए अखिलेश पर आरोप लगाया कि पार्टी में मेरा कद जानबूझकर छोटा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ दिनों से शांत पड़ा ज्वालामुखी एक बार फिर फूट पड़ा है। मंगलवार को इटावा की जसवंत नगर सीट से नामांकन करने पहुंचे शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वो 11 मार्च को एक नई पार्टी बनाएंगे। 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। शिवपाल ने यह भी साफ कर दिया कि भले ही वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन वो पार्टी के बागियों के साथ खुलकर खड़े हैं। शिवपाल ने कहा कि पार्टी के ऐसे नेताओं के लिए प्रचार करेंगे जो टिकट कटने के कारण दूसरे दलों से लड़ रहे हैं। बैठे हैं रघुराज सिंह, अगर इनको टिकट मिला होता तो इनको कोई हरा सकता था। जो पक्के समाजवादी हैं और नेताजी की अगर राय से कहीं पर भी लड़े हैं तो हम उन सीटों पर जरूर प्रचार करने जाएंगे। शिवपाल ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि मेहरबानी हो गई कि टिकट दे दिया, वरना निर्दलीय ही लड़ना पड़ता। रैली में शिवपाल कई बार भावुक भी हुए। हम जानते हैं कि हमारा कद छोटा जानबूझ करके किया जा रहा था और हमारे लोगों का टिकट काटा, कहाँ जाएंगे हमारे लोग जो लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे थे, शिवपाल ने खुद को मंत्रिमंडल से हटाने को लेकर भी अखिलेश को घेरा। शिवपाल ने आरोप लगाया कि सिर्फ मंत्रिमंडल से इसलिए बर्खास्त किया गया कि वो गलत काम को रोक रहे थे। हम आज बताना चाहते हैं हम क्यों बर्खास्त हुए, मैं केवल गलत काम रोक रहे थे। शिवपाल ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन पर भी करारा हमला बोला। शिवपाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पार्टी को कमजोर किया है। अच्छा बताइए, सर्वे रिपोर्ट में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस की हालत क्या थी? केवल 4 सीटें जीतने की, किसको फायदा किया? कांग्रेस। चुनाव आयोग में पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई हारने के बाद से शिवपाल चुप थे, लेकिन जब बोले तो खुलकर बोले और ऐसा बोले कि शायद ही अखिलेश ने सोचा भी होगा। बहरहाल अब ये साफ हो गया कि चाचा भतीजे की जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो इसका अंजाम बाकी है। इटावा से हरिओम के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7। चाचा शिवपाल जहां अखिलेश के खिलाफ आज खुल्लम खुल्ला ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं अखिलेश भी कुछ डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। आज अलीगढ़ में एक चुनावी सभा में अखिलेश ने कहा कि अगर यूपी में उनकी दोबारा सरकार बनी तो सबसे ज्यादा खुशी उनके पिता मुलायम सिंह यादव को होगी। बरसात देख ली, सर्दी भी देख ली, थोड़ा बहुत कोहरा भी देख लिया, लेकिन बताओ कहीं अच्छे दिन दिखाई दिए हो तो बता दो। लाइन में लगा दिया सबको, लाइन में लगना पड़ गया सबको, आपकी अपनी मेहनत का पैसा, अपनी ईमानदारी का पैसा आपका, आपने न जाने कितनी मेहनत की होगी उसके पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाया, पैसा कमाया, बैंक में रख दिया, कुछ अपने पास रख लिया, लेकिन एनसी सरकार के लोगों ने आपका 500,000 रुपया बंद कर दिया।